मोस्ट मोस्ट वेलकम। मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शहजादा जो मूवी रिलीज हुई है उसके फर्स्ट डे कलेक्शन को बात करने वाले हैं, और ये भी बताएंगे फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, क्या इसके पीछे कारण रहा। तो शहजादा रिलीज हो चुकी है दोस्तों, पहले दिन के हम कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने बहुत ही कम कलेक्शन अर्थात 6 करोड़ रुपये कमाए। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भी फिल्म का ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करें तो 2 करोड़ और जोड़ दीजिए, टोटल 8 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने किया है, जो कि बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन इस फिल्म का रहा है दोस्तों। अगर देखें इसी प्रकार की फिल्म चलती है, काम करती है, तो मुझे लगता है कि फिल्म 25 से 30 करोड़ रुपये कमाएगी और फिर ढेर हो जाएगी। तो दोस्तों शहजादा बेसिकली फ्लॉप हो गई, इसके पीछे कारण क्या है, बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले पहली जो बात करते हैं, इस फिल्म को बनाने में कितने खर्चा आए, तो फिल्म बनाने में 65 करोड़ का खर्चा है, वहीं पर इस फिल्म का प्रमोशन करने में 20 करोड़ का खर्चा है, टोटल बजट देखें तो 85 करोड़ इसके ऊपर खर्च हुए हैं, और इस फिल्म से एक भारी नुकसान कम से कम होता हुआ नजर आती है। सबसे बड़ी गलती थी ये कर दी कि ये जो फिल्म है ये अल्लू अर्जुन की जो मूवी आई थी उसका एक रीमेक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जितने भी फिल्म देखने वाले चाहने वाले वो रीमेक से तौबा कर चुके हैं, उन्हें रीमेक नहीं देखनी है, लेकिन बार बार रीमेक नाम का कचरा लाया जाता है, उसी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हुई है और दर्शकों ने इस फिल्म को ठुकरा दिया है और लोग थिएटर में फिल्म को नहीं देखने जा रहे हैं। दूसरी एक फिल्म और आई थी एंटमैन, उस फिल्म की भी हालत बिल्कुल ख़राब है, उसने भी ज़्यादा कलेक्शन भारत में नहीं किया है। तब जब दोनों ही फिल्म एक साथ रिलीज हुई हैं उससे इन दोनों फिल्मों के बीच में क्लैश हुआ है और दोनों फिल्मों की कमाई गिर गई है। लेकिन बेसिकली इन दोनों फिल्मों को डिस्ट्रॉय कर रही अभी पठान, जबकि पठान 3 हफ्ते पूरे कर चुकी है, लेकिन 3 हफ्ते पूरे करने के बावजूद भी इन दोनों फिल्मों को एक कड़ी टक्कर दी है और दोनों फिल्मों का रास्ता रोक दिया है। पठान ने इसी दिन लगभग 3 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया है। अगर ये 3 करोड़ रुपए हम शहजादा में जोड़ते तो शहजादा का कलेक्शन है काफ़ी सम्मानजनक, अर्थात 10 करोड़ से ऊपर जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी 3 सप्ताह के बावजूद भी SRK की जो फिल्म में बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है और एक कड़ी टक्कर इन फिल्मों को दे रही है 3 हफ्ते होने के बावजूद भी। बाकी आप क्या सोचते हैं, हालांकि कार्तिक आर्यन एक्टिंग अच्छे करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रीमेक के नाम पर इस फिल्म का कचरा कर दिया गया है, बाकी आप क्या सोचते हैं जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी रिप्लाई का।